पंचायती राज के विकास की कहानी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आज हम हैं बिहार के समस्तीपुर जिला के मोहिउद्दीन नगर प्रखंड ग्राम पंचायत राज मोहिउद्दीन नगर दक्षिण में। यहाँ के मुखिया प्रत्याशी हैं कृष्ण कुमार चौधरी। कृष्ण कुमार चौधरी मोहिउद्दीन नगर प्रखंड के पूर्व में प्रखंड प्रमुख भी रह चुके हैं। इनका राजनीतिक सफर 2011 में शुरू हुआ। कृष्ण कुमार चौधरी 2016 में महज एक वोट से प्रखंड प्रमुख के चुनाव में उपविजेता रहने वाले 24 अगस्त 2018 में इन्हें मोहिउद्दीन नगर का प्रखंड प्रमुख बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2016 में मोहिउद्दीन नगर दक्षिण पंचायत से हम पंचायत समिति के पद पर निर्वाचित हुए, क्योंकि मेरा जहां घर है वह आरक्षित हो गया था और यहाँ का जो भी बुद्धिजीवी मतदाता हैं हमको भरपूर सहयोग किए और मैं पंचायत समिति के पद पर आसीन हुआ। और फिर चूंकि प्रमुख पद जनरल था, मैं 2016 में उप प्रमुख बना, जो पहला बिहार में रिकॉर्ड है कि एक वोट से हम 2016 में उप विजेता रहे प्रमुख के लिए और तत्क्षण उसी समय उप प्रमुख भारी मतों से जीते। 2018 में फिर हमने प्रमुख पद पर आसीन हुआ। प्रखंड में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना इनकी प्राथमिकता रही थी। अपने भ्रष्टाचार विरोधी रुख के कारण यह जनता में काफी लोकप्रिय हो गए। हालांकि इसी रुख के कारण इनके बहुत सारे राजनीतिक विद्वेष रखने वाले प्रतिद्वंदी भी उत्पन्न हो गए। जब कोरोना का विपदा आया तो उस समय भारत ही नहीं पूरा विश्व इस संकट से जूझ रहा था। आदमी आदमी को हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं था, आदमी आदमी से दूरी बना लेता था। वैसे काल में भी हम लोगों ने जो सब जगह घूम कर कोरोना के बारे में लोगों को जागृत किया, प्रधानमंत्री मोदी जी भी हमारे जैसे थाली बजा के हो चाहे शंख बजा के हो जो हम लोगों को जागृत करने का काम किया। उस दरमियान भी हमने सभी जगह अपने स्तर से मास्क है सैनिटाइजर है छिड़काव है किया और हमारा पंचायत इस मामले में सबसे अव्वल रहा और हमारे पंचायत में किसी भी प्रकार का कोरोना का संकट नहीं मंडराया। शिक्षा स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए इन्होंने हमेशा पारदर्शी तरीके से कार्य किया। जनहित और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं जैसे विधवा पेंशन विकलांग पेंशन वृद्धा पेंशन छात्रवृत्ति योजना का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए इन्होंने काफी सार्थक प्रयास किया है। आंगनबाड़ी केंद्रों की अनियमितता और इंदिरा आवास में व्यापक लूट खसोट रोककर इन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी। लोहिया स्वच्छता अभियान एवं स्वच्छ भारत अभियान को लागू करवाने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। कैसे भूल सकता है भला वो पल कोई 2016 जब बाढ़ आई थी। बाढ़ पीड़ितों के बीच 1600 से अधिक लोगों को 6000 रुपया आपदा राशि उपलब्ध करवाई। आज इन चीजों को याद कर यहाँ की जनता भावुक हो उठती है। जब हमारी टीम को इसके बारे में बात करने का मौका मिला तो फिर यहाँ की जनता ने इस तरीके से बातें बताई। बाढ़ में सब चीज काम ये कलखी बनवलखी पैसा दिलखी पन्नी दुनिया चूड़ा मिठा सब ये सब बिसरे के हम जब फोन करते हैं तो हर वाला में सहायता कर करके हम लोग को वार्ड में सब में पंचायत में 6000 रुपया दिलवाए थे मेहनत कर करके। गरीबों का मसीहा गरीबों के सहयोगी 2019 में आपदा से संबंधित जितने भी सामग्री दिलाए। इस आपदा राशि के कारण मोहिउद्दीन नगर पंचायत के बहुत सारे परिवारों को राहत मिल पाया था। इसके अलावा उन्होंने निजी कोष से भी घर घर जाकर आम लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाया था। 2019 में बाढ़ के दौरान पंचायत का सिर्फ गौनसा इलाका 11 नंबर वार्ड को सरकारी फाइलों में बाढ़ पीड़ित दिखाया गया था। ऐसे में कृष्ण कुमार चौधरी ने अपने प्रयास से संपूर्ण पंचायत को आंशिक बाढ़ पीड़ित घोषित करवाकर 2300 लोगों तक सरकारी योजना के अंतर्गत विपदा लाभ पहुंचाया। गौनसा जो एक टापू हुआ करता था वहां कृष्ण कुमार चौधरी स्वयं नाव राहत सामग्री और मेडिकल टीम के साथ मुस्तैदी से डटे रहते थे।
ये सारे कार्य इनके सच्ची सेवा भावना का एक उदाहरण है। जहाँ तक मेरा मानना है, कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है। असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता के लिए किया गया प्रयास मन से नहीं हुआ। जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ भी हम खड़े हैं, यह गोनसा इसको बोला जाता है, और इस गोनसा में बिजली भी नहीं थी। 2018 में जब मैंने प्रमुख बना तो सबसे पहले यहाँ बिजली लगवाने का काम किया, और यहाँ सबसे अभी आज के डेट में आवश्यकता है वो है सड़क का, जिसके लिए अभी तक किसी प्रतिनिधि को, कोई भी MP हो MLA हो, उसका ध्यान नहीं गया है। लेकिन मेरा विश्वास है, यदि जनता का सहयोग मिलेगा तो मेरा सबसे पहला एजेंडा होगा कि इस टोला में सड़क का निर्माण कराना है, चाहे जैसे हो, चाहे पटना जाना पड़े, चाहे दिल्ली जाना पड़े, मंत्री से मिलना पड़े, चाहे जिससे भी मिलना पड़े, हम इस कार्यकाल में, अपने कार्यकाल में निश्चित रूप से यहाँ सड़क बनाने का काम करेंगे। आपको बता दें, इनकी पत्नी सीता देवी पंचायत समिति सदस्य रह चुकी है और उस वर्ष प्रखंड प्रमुख के चुनाव में उपविजेता भी रही थी। इसके साथ ही ये सामाजिक कार्यों एवं समारोह में यथासंभव सहयोग करते रहे। अपने पास मदद के लिए आने वाले व्यक्ति को सम्मान देना और उनकी हर संभव मदद करना इनकी आदत में शुमार है। रात में भी कुछ होता है तो तड़के आ जाते हैं, इनका व्यवहार भी अच्छा है। जो भी तकलीफ हुआ है वो आकर गरीब लोग को सहायता किए है। रात बिहार जो भी दिक्कत हो आकर देख लेते, बहुत अच्छे आदमी है। जो भी काम है पब्लिक के बीच में ये रहता है एकदम तन मन धन से, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी टीम को मोहिउद्दीन नगर दक्षिण में घूमने का मौका मिला। हमने बहुत सारे परिवारों और जनता से बात की। राशन कार्ड और पेंशन संबंधी योजना के लिए श्री चौधरी घर घर जाकर लोगों की मदद करते रहते हैं। कोरोना संकट के दौरान जन जागरूकता फैलाने और अपने निजी कोष मास्क, साबुन, सैनिटाइजर और अन्य राहत सामग्री का भी इनके द्वारा वितरण करवाया गया था। रही बात भ्रष्टाचार का, आप लोग जानते हैं कि मैं किस स्वभाव का आदमी हूँ। इसके लिए मैं अपने ब्लॉक में जो अपने अधीनस्थ कर्मचारी है उसको कितना मैं टॉर्चर भी किया, जितना मैं लिख दिया हूँ इस प्रखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ पदाधिकारियों के विरुद्ध, जो अभी उसका क्रियान्वयन चालू हुआ है, जाँच चालू हुआ है। मेरा विश्वास है कि जो भी पदाधिकारी, जैसे आपका शौचालय में पैसा लिया गया, इंदिरा आवास में पैसा लिया गया, जो भी विभाग में पैसा लिया जा रहा है, चाहे जाति हो, आय हो, आवास हो, बिना दलाल का इस ब्लॉक में नहीं बनता है, जिसका मैं विरोध किया हूँ। मेरे विश्वास है कि जब इसकी जांच होगी तो इस पर अंकुश लगेगी और हमारा पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त होगा। मैं इस विश्वास के साथ आप लोगों को पुनः धन्यवाद देता हूँ कि एक बार मुझे मौका दीजिए, जो आप पहले बार दिए हैं और हमारा कार्यकाल देखे हैं, मैं कैसा आदमी हूँ उससे भी ज़्यादा, चूँकि मेरा ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है कि मैं दूर से आ रहा हूँ, तो निश्चित रूप से हमारी ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है और उस जिम्मेवारी पर मैं कायम रहूँगा और अब आपके जो सपना है उसको साकार करने का मैं निश्चित रूप से काम करूँगा। ग्राम पंचायत राज मोहिउद्दीन नगर दक्षिण, ये है अल्फा मध्य विद्यालय। ये जो आप प्रांगण देख रहे हैं, इनमें PCC ढलाई और गेट का निर्माण इन्हें के प्रयासों से हुआ। इसके अलावा मम्मन साह धर्मशाला के पीछे भी PCC ढलाई का श्रेय कृष्ण कुमार चौधरी को ही जाता है। किसी प्रकार की आकस्मिक घटना घटित होने पर ये सबसे पहले पहुंचकर पीड़ितों का सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारी टीम आगे बढ़ती जा रही थी। मोहिउद्दीन नगर दक्षिण पंचायत में घूम घूम कर लोगों से बातें कर रही थी। इसी दरमियान हमने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति जिनका हाल फिलहाल में ही एक्सीडेंट हुआ था। यह दृश्य मुझे लगा कि आप तक पहुंचानी चाहिए। इनकी बातें और यह दृश्य निश्चित तौर पर एक भावनात्मक पल था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये 80 साल पुरानी तस्वीरें हैं। प्रखंड प्रमुख के रूप में कला और संस्कृति के संरक्षण और उत्थान के लिए भी ये लगातार प्रयास करते रहते हैं। आपको बता दें, पूर्व प्रखंड प्रमुख श्री कृष्ण कुमार चौधरी हमेशा सोचते रहते हैं अगर इन्हें मौका मिलता है मोहिउद्दीन नगर दक्षिण में मुखिया बनने का, तो अपने प्रयासों से ये हमेशा कला और संस्कृति की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। कोई भी राष्ट्र पर्व यथा 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त को इनके द्वारा हमेशा से मंचन करवाया जाता रहा है, जिसमें ये अपने क्षेत्र के लोगों के मान सम्मान और मेधा का खासा ख्याल रखते हैं। हमारी एक ही तमन्ना है कि इस उम्र में आकर
मैं महदी नगर की जनता को सेवा करूं और जो भी काम लंबित है उसको आगे बढ़ाऊं, और जो भी अपेक्षा है इस यहाँ के पंचायत का, जो भी सरकार का योजना है चाहे वो केंद्र का हो या बिहार सरकार का हो, उसको हम जन जन तक पहुँचावे और अपना नाम रोशन के साथ साथ इस पंचायत के जनता को आगे पहुँचा के विकास की गति को बढ़ावे। इनका सपना है कि जब ये मुखिया बने तब पंचायत भवन का अच्छे तरीके से निर्माण कराए, साथ साथ पंचायत सरकार भवन के लिए भी प्रतिबद्ध दिखते हैं। घर बैठकर सरकारी योजनाओं और कार्यों के निष्पादन के ये सख्त खिलाफ नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय पर्व जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी को काफी धूमधाम से मनाने के साथ गाँव ग्राम के छिपी प्रतिभा को एक मंच प्रदान करने के लिए भी ये लगातार कोशिश करते रहते हैं। गांव के लोग तो सब कहे छन जैसे उनके वोट देवे, जनता पूरा विश्वास के साथ इस बार फिर इनको मौका देगी। मुखिया भी करेंगे, अच्छा काम करेंगे, मुखिया बनेंगे तो अच्छा काम करते हैं तो अच्छे ना करेंगे। सभी जाति धर्म के लोगों के साथ दोस्ताना और सम्मानजनक व्यवहार करना इनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पूंजी है। अपने पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध और समर्पित कृष्ण कुमार चौधरी चाहते हैं कि जिस प्रकार पूर्व में मोहिउद्दीन नगर दक्षिण की जनता ने आशीर्वाद देकर पंचायत समिति और प्रखंड प्रमुख के रूप में सेवा का अवसर दिया था, ठीक उसी प्रकार मुखिया प्रत्याशी के रूप में भी इन्हें आशीर्वाद प्रदान कर जनता की सेवा और पंचायत के विकास के नए मुकाम तक ले जाने का एक बार अवसर प्रदान करें। कि जनता हमको भारी मतों से जिताएगी और हम विकास का निश्चित रूप से जो लोगों का यहाँ सपना है उसको पूर्ण करने का काम करेंगे। श्री कृष्ण कुमार चौधरी और मोहिउद्दीन नगर दक्षिण की पंचायत की जनता की आंखों में ये साफ साफ दिख रहा था और लग रहा था जैसे इस बार मोहिउद्दीन नगर दक्षिण पंचायत की जनता एक बार मुखिया के रूप में इन्हें जरूर देखना चाहेंगे। जय पंचायती राज, जय बिहार, जय